वहाँ गायब हो गया यो चोर। और बहादुर आगे चल, आगे देखते हैं। ओ पया जी, और कुछ पानी पूरी शूरी खिलाओ। वाह चाचू, आपने तो कमाल ही कर दिया। ओए भतीजे, ओए पानी पूरी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आए बलवन, महीनों बाद धुलवाए हैं। आ ओडूनी डांडू है। ओए ये क्या, हम तो कपड़े लाए थे, ये रुपये में कैसे बदल गए? क्या हुआ कैसे हुआ ये जानने की जरूरत नहीं। अगर पैसे चल के आपके दरवाजे पर आते हैं तो उसे ना नहीं कहते, पैसों का अपमान होता है। ऊपर ये पैसे किसके होंगे? क्योंकि ये बैग मेरा है, ये पैसे भी मेरे हुए। उस नकली नोट के चक्कर ने तो हमारी नौकरी खतरे में डाल दी सर। गिरना नहीं मेरी बैग, ऊपर ही रहना। अच्छा हुआ तुम सब एक ही जगह पर मिल गए। खबर मिली है कि कोई चोर फंटूश नगर में नकली नोट फैला रहा है। इन नकली नोटों के नंबर 420 से खत्म होते हैं। मन ने सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जिनके पास नकली नोट होते हैं। अगर मैंने एक भी ऐसा आदमी मिला जिसके पास नकली नोट हो तो मैं उसे सीधे जेल में डाल दूंगी बिना कोई पूछताछ किए। बंदूकनी जी शांत हो जाइए, लीजिए पानी पीजिए। ये आवाज कैसी? कुछ नहीं कुछ नहीं, आपके बैठने के लिए कुर्सी साफ कर रहा था। हेलो कमिश्नर जी। हाँ जी। ओए अगर नकली नोटों के चोरों को नहीं पकड़ा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ये सारे नोटों के नंबर तो 420 से खत्म होते हैं। ओए होए, यानी ये सारे नोट नकली हैं? पहली बार पैसे खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आए, पर वो भी नकली नोट। बलवन, ये बैग तो तुम लाए थे ना? तो ये सारे पैसे भी तुम्हारे हुए? ओ जी नहीं जी। समझो मैंने तुम्हें अगले 3 महीने की सैलरी दे दी। थैंक यू पल्ला जी। पर चाचू ये तो नकली नोट है। ओ सॉरी जी। मुझे लगता है हमें बंदूकनी जी को सब बता देना चाहिए। नहीं, तुमने देखा नहीं वो कितने गुस्से में थी? और तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अगर मैंने एक भी ऐसा आदमी मिला जिसके पास नकली नोट हो तो मैं उसे सीधे जेल में डाल दूंगी बिना कोई पूछताछ किए। हम उन्हें समझाए उससे पहले ही हम जेल में होंगे। बलवान सब बातें छोड़ो, अभी मिलकर इस बैग से पीछा छुड़ाते हैं। ठीक है पल्ला जी। पर चाचू ये नकली नोट के बंडल बंदूकनी जी के पास ही जाए तो अच्छा है। हम जब रिक्शा से उतरेंगे तो बैग यही रिक्शा में छोड़ देंगे। भैया यही रोक दो। ओए बलवान क्या कर रहे हो, भूल गए क्या बैग को रिक्शा में ही छोड़ना है? ओए माफ करना पल्ला जी, ओए मैं भूल गया। चाचू आप यही रुकिए, मैं अभी उस दुकान से पेंसिल लेकर आया। हेलो इंस्पेक्टर बंदूकनी स्पीकिंग, आप कौन? मैं आपका भला चाहने वाला, राज की बात सुनिए। आपको रिक्शा नंबर FUN2005 में नकली नोटों का बैग मिलेगा। पर बोल कौन राज है? लगता है वो लोग अपना बैग रिक्शा में ही भूल गए। ओए पल्ला जी बुला टली, उस बैग से पीछा छूटा। भाई साहब अरे सुनिए ना, आपका बैग ये वापस कहाँ से आ गया? बलवान पीछे मत देखना, भागो।
चलो उस रिक्शा वाले से पीछा छूटा। अरे भाई साहब, मैं कब से आपको बुला रहा हूँ, आप लोग अपना बैग हमारे रिक्शा में ही भूल गए। साहब मैंने आपका इतना बड़ा बैग वापस किया, कुछ बख्शीश तो बनता है। हाँ हाँ जरूर, तुम ये पूरा बैग ही रख लो। अरे बख्शीश नहीं देना है तो मत दो, कंजूसी की भी हद होती है भाई। कहाँ चले गए आप लोग और ये बैग वापस कैसे आ गया? क्या बताऊं? तो वो बैग कहाँ से है जो थारे रिक्शा में था? अभी अभी तो वापस करके आया हूँ उनके मालिक को। अच्छा, जरा मन में उन लोगों का हुलिया तो बताओ। ये क्या, नकली नोटों की जगह कपड़े? तो ये भल्ला का बैग लगता है, उसके घर जाकर पता लगाना होगा। मन्ने खबर मिली से कि नकली नोटों का बैग एक रिक्शा में था, पर मुजरिम भाग निकले। रिक्शा वाले ने बताया कि तीन लोग थे, एक आदमी ने टोपी पहन रखी थी, ठीक आपकी तरह चाचा, एक आदमी के कम बाल थे, ठीक आपकी तरह भल्ला जी, और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था, ठीक तेरी तरह भतीजे। पर ऐसे तो कितने ही लोग होंगे फंटूष नगर में, देखो तुम तीनों भी तो वैसे ही हो। ऐसे कोई मुजरिम को कैसे पकड़ सकता है बताओ? पर जो भी हो, मुजरिम मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकता। आखिर कौन है जो बंदूकनी जी को सारी खबर दे रहा है? तुझे क्या लगता है भतीजे? मुझे क्या पता, शहर के बाहर एक सूखा कुआं है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं पर बैग फेंक देते हैं। कुएं में से ना तो कोई इंसान बैग वापस लेकर आ सकता है। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं कुएं में से बैग वापस ला सकता हूँ। मैं हूँ आपका भला चाहने वाला बैग। तू रुक जा, तू मारा भला चाहता है या मन ने सिर्फ दौड़ाना चाहता है? इस बार मैं थारी बातों में ना आने वाली। इस बार शहर के बाहर वाले सूखे कुएं पर टाइम से पहुंच जाना, नकली नोटों का बैग आपको वहीं मिलेगा। बलवान, बैग को कुएं में फेंक दो और यहाँ से भाग निकलो। गलती होगी बंदूकनी जी, ये नकली नोटों का बैग हमारा नहीं है, गलती से हमारे हाथ लग गया, हम चोर नहीं है। हम डर गए थे, हमें लगा आप हमें जेल में डाल दोगी। नकली नोट, मैं तो कुछ और ही। खैर छोड़ो, बताओ बैग कहाँ है? ओ जी, हमने उस बैग को कुएं में फेंक दिया। अच्छा, तो यो सारी करामात थारी से, चालाक चोर, इब तुम्हारी लात से बच ना सके। बड़ी मुश्किल से ये बैग मेरे हाथ लगा है, अब कोई इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। रब बावड़ी पूछ, रुक जा, कित जाओ इसे। बाल बाल बच गए, वरना मारा सारा मेकअप खराब हो जाता। अरे चाचे, मारा सारा मेकअप खराब कर दिया। Okay.
लात और बंदूक की लात से कोई ना बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखाते, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।